आसन की विधि। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद अब मैं पवित्रारोहण का वर्णन करूंगा जो क्रिया, योग तथा पूजा आदि में न्यूनता की पूर्ति करने वाला है। जो पवित्रारोहण कर्म नित्य किया जाता है उसे नित्य कहा गया है तथा दूसरा जो विशेष निमित्त को लेकर किया जाता है उसे नैमित्तिक कहते हैं। आषाढ़ मास की आदि चतुर्दशी को तथा श्रावण भाद्रपद मासों की शुक्ल कृष्ण उभय पक्षीय चतुर्दशी एवं अष्टमी तिथियों में पवित्रारोहण या पवित्रारोपण कर्म करना चाहिए अथवा आषाढ़ मास की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक प्रतिपदा आदि तिथियों को विभिन्न देवताओं के लिए पवित्रारोहण करना चाहिए। प्रतिपदा को अग्नि के लिए, द्वितीया को ब्रह्मा जी के लिए, तृतीया को पार्वती के लिए, चतुर्थी को गणेश के लिए, पंचमी को नागराज अनंत के लिए, षष्ठी को स्कंद के अर्थात तुम्हारे लिए, सप्तमी को सूर्य के लिए, अष्टमी को शूलपाणी अर्थात मेरे लिए, नवमी को दुर्गा के लिए, दशमी को यमराज के लिए, एकादशी को इंद्र के लिए, द्वादशी को भगवान गोविंद के लिए, त्रयोदशी को कामदेव के लिए, चतुर्दशी को मुझ शिव के लिए तथा पूर्णिमा को अमृत भोजी देवताओं के लिए पवित्रारोपण कर्म करना चाहिए। सत्ययुग आदि तीन युगों में क्रमशः सोने, चांदी और तांबे के पवित्र अर्पित किए जाते हैं, किंतु कलयुग में कपास के सूत, रेशमी सूत अथवा कमल आदि के सूत का पवित्र अर्पित करना चाहिए। प्रणव, चंद्रमा, अग्नि, ब्रह्मा, नागगण, स्कंद, श्रीहरि, सर्वेश्वर और संपूर्ण देवता ये क्रमशः पवित्रक के 9 तंतुओं के देवता हैं। उत्तम श्रेणी का पवित्रक 108 सूत्रों से बनता है, मध्यम श्रेणी का 54 तथा निम्न श्रेणी का 27 सूत्रों से निर्मित होता है अथवा 81, 50 या 38 सूत्रों से उसका निर्माण करना चाहिए। जो पवित्रक जितने 9 सूत्री से बनाया जाए उसमें बीच में उतनी ही गांठें लगानी चाहिए। पवित्रकों का व्यास माने या विस्तार 12 अंगुल, 8 अंगुल अथवा 4 अंगुल का होना चाहिए। यदि शिवलिंग के लिए पवित्रक बनाना हो तो उस लिंग के बराबर ही बनाना चाहिए। इस प्रकार 3 तरह के पवित्रक बताए गए। इसी तरह एक 4थे प्रकार का भी पवित्रक बनता है जो सभी देवताओं के उपयोग में आता है। वो उनकी पिंडी या मूर्ति के बराबर का बनाया जाना चाहिए। इस तरह बने हुए पवित्रक को गंगावतारक कहते हैं। इसे सद्योजात मंत्र के द्वारा भलीभांति धोना चाहिए। इसमें वामदेव मंत्र से ग्रंथि लगावे, अघोर मंत्र से इसकी शुद्धि करें तथा तत्पुरुष मंत्र से रक्त चंदन एवं रोली द्वारा इसको रंगे अथवा कस्तूरी, गोरोचना, कपूर, हल्दी और गेरू आदि से मिश्रित रंग के द्वारा पवित्रक मात्र को रंगाना चाहिए। सामान्यतः पवित्रक में 10 गांठें लगानी चाहिए अथवा तंतुओं की संख्या के अनुसार उसमें गांठें लगाएं। एक गांठ से दूसरी गांठ में 1, 2 या 4 अंगुल का अंतर रखें। अंतर उतना ही रखें जिससे उसकी शोभा बनी रहे। प्रकृति क्रिया, पौरुषी वीरा, अपराजिता, जया, विजया, अजीता, सदाशिवा, मनोन्मणि तथा सर्वोतमुखी ये 10 ग्रंथियों की अभिष्ठात्री दिव्या अथवा 10 से अधिक भी सुंदर गांठें लगानी चाहिए। पवित्रक के चंद्रमंडल, अग्निमंडल तथा सूर्यमंडल से युक्त होने की भावना करके उसे साक्षात भगवान शिव के तुल्य मानकर हृदय में धारण करें। मन ही मन उसके दिव्य स्वरूप का चिंतन करें। शिव रूप से भावित अपने स्वरूप को पुस्तक को तथा गुरुगण को एक पवित्रक अर्पित करें। इसी प्रकार द्वालपाल, दिक्पाल और कलश आदि पर 1-1 पवित्रक चढ़ाना चाहिए। शिवलिंगों के लिए 1 हाथ से लेकर 9 हाथ तक का पवित्रक होता है। 1 हाथ वाले पवित्रक में 28 गांठें होती हैं, फिर क्रमशः 10-10 गांठें बढ़ती जाती हैं। इस तरह 9 हाथ वाले पवित्रक में 108 गांठें होती हैं। ये ग्रंथियां क्रमशः 1, 2 या 2 अंगुल के अंतर पर रहती हैं। इनका मान भी लिंग के विस्तार के अनुरूप हुआ करता है। जिस दिन पवित्रारोपण करना हो उससे 1 दिन पूर्व अर्थात सप्तमी या त्रयोदशी तिथि को उपासक नित्य कर्म करके पवित्र हो सायंकाल में पुष्प और वस्त्र आदि से याग मंदिर, पूजा मंडप को सजावे। नैमित्तिक की संध्योपासना करके विशेष रूप से तर्पण कर्म का संपादन करने के पश्चात पूजा के लिए निश्चित किए हुए पवित्र भूभाग में सूर्य देव का पूजन करें। आचार्य को चाहिए कि वो आचमन एवं सरलीकरण की क्रिया करके प्रणव के उच्चारण पूर्वक अर्धपात्र हाथ में लिए अस्त्र मंत्र फट्ट बोलकर पूर्वादि दिशाओं के क्रम से संपूर्ण द्वारों का प्रोक्षण करके उनका पूजन करें। हाँ, शांति कला द्वाराय नमः। हाँ, विद्या कला द्वाराय नमः। हाँ, निवृत्ति कला द्वाराय नमः। हाँ, प्रतिष्ठा कला द्वाराय नमः। इन मंत्रों से पूर्वादि चारों द्वारों का पूजन करना चाहिए। प्रत्येक द्वार की दक्षिण और वाम शाखाओं पर दो दो द्वारपालों का पूजन करें। पूर्व में नंदी में नमः, महाकालाय नमः। इन मंत्रों से नंदी और महाकाल का, दक्षिण में भृंगणे नमः, गणाय नमः। इन मंत्रों से भृंगी तथा गण का, पश्चिम में वृषभाय नमः, स्कंदाय नमः। इन मंत्रों से नंदिकेश्वर वृषभ तथा स्कंद का तथा उत्तर द्वार में दैवय नमः, चंडाय नमः। इन मंत्रों से देवी तथा चंड नामक द्वारपालक का क्रमशः पूजन करें। इस प्रकार द्वारपाल आदि की नित्य पूजा करके पश्चिम द्वार से होकर याग मंदिर में प्रवेश करें। फिर वास्तु देवता का पूजन करके बुध शुद्धि करें। तत्पश्चात विषधार्य में हाथ में लेकर अपने में शिव स्वरूप की भावना करते हुए पूजा सामग्री का प्रोक्षण आदि करके यज्ञ भूमि का संस्कार करें। फिर कुश, दुर्वा और फूल आदि हाथ में लेकर नमः आदि के उच्चारण पूर्वक उसे अभिमंत्रित करें। इस प्रकार शिवहस्तक का विधान करके उसे अपने सिर पर रखें और ये भावना करें कि मैं सबका आदि कारण सर्वज्ञ शिव हूँ तथा यज्ञ में मेरी ही प्रधानता है। इस प्रकार आचार्य भगवान शिव का अत्यंत ध्यान करें और ज्ञान रूपी खड्ग हाथ में लिए नैऋत्य दिशा में जाकर उत्तराभिमुख अर्ध का जल छोड़ें तथा यज्ञ मंडप में चारों ओर पांचगव्य छेड़ें। चतुष्पथांत संस्कार और उत्तम संस्कार युक्त वीक्षण आदि के द्वारा वहां सब और गौर सर्पश आदि बिखेरने योग्य वस्तुओं को बिखेर कर कुछ निर्मित कुर्च के द्वारा उनका उसनहार करें। फिर उनके द्वारा ईशान कोण में वर्धनी एवं कलश की स्थापना के लिए आसन की कल्पना करें। तत्पश्चात नैऋत्य कोण में वास्तु देवता का तथा द्वार पर लक्ष्मी का पूजन करें। फिर पश्चिमाभिमुख कलश को सप्तधान्य के ऊपर स्थापित करके प्रणव के उच्चारण पूर्वक ये भावना करें, ये शिव स्वरूप कलश नंदिकेश्वर वृषभ के ऊपर आरूढ़ है, साथ ही वर्धनी सिंह के ऊपर स्थित है। ऐसी भावना कलश पर सांग भगवान शिव की और वर्धनी में अस्त्र की पूजा करें। इसके बाद पूर्वादि दिशाओं में इंद्र आदि दिक्पालों का तथा मंडप के मध्य भाग में ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव आदि का पूजा। तत्पश्चात कलश के पृष्ठभाग का अनुसरण करने वाली वर्धनी को भलीभांति हाथ में लेकर मंत्रज्ञ गुरु भगवान शिव की आज्ञा सुना। फिर पूर्व से लेकर प्रदक्षिणाक्रम से चलते हुए ईशान कोण तक जल की अविच्छिन्न धारा गिरावे और मूल मंत्र का उच्चारण करें। शस्त्र रूपणी वर्धनी को यज्ञ मंडप की रक्षा के लिए उसके चारों ओर पहले कलश को आरोपित करके उसमें वाम भाग में शस्त्र के लिए वर्धनी को स्थापित करें। उत्तम एवं सुस्थिर आसन वाले कलश पर भगवान शंकर का तथा प्रणव पर स्थित हुई वर्धनी में उनके आयुध का पूजन करें। तदनंतर उन दोनों का लिंग मुद्रा के द्वारा परस्पर संयोग कराकर भगलिंग संयोग का संपादन करें। कलश पर ज्ञान रूपी खड्ग अर्पित करके मूल मंत्र का जप करें। उस जप के दशांश होम से वर्धनी में रक्षा घोषित करें। फिर वायव्य कोण में गणेश जी की पूजा करके पंचामृत आदि से भगवान शिव को स्नान करावे और पूर्वत पूजन करके कुंड में शिव स्वरूप अग्नि की पूजा करें। इसके बाद विधिपूर्वक चरु तैयार करके उसे संपताहुति की विधि से शोधित करें। तदनंतर भगवान शिव अग्नि और आत्मा के भेद से तीन अधिकारियों के लिए चम्मच से उस चरु के तीन भाग करे तथा अग्निकुंड में शिव एवं अग्नि का भाग देकर शेष भाग आत्मा के लिए सुरक्षित रखें। तत्पुरुष मंत्र के साथ हुम जोड़कर उसके उच्चारण पूर्वक पूर्व दिशा में इष्ट देव के लिए दंत धावन अर्पित करें। अघोर मंत्र के अंत में वशट जोड़कर उसके उच्चारण पूर्वक उत्तर दिशा में आंवला अर्पित करें। वामदेव मंत्र के अंत में स्वाहा जोड़कर उसका उच्चारण करते हुए जल निवेदन करें। ईशान मंत्र से ईशान कोण में सुगंधित जल समर्पित करें। पंचगव्य और पलाश आदि के दोने सब दिशाओं में रखें। ईशान कोण में पुष्प, अग्नि कोण में गुरोचन, नैऋत्य कोण में अगुरु तथा वायव्य कोण में चतुःसम समर्पित करें। तुरंत के पैदा हुए कुशों के साथ समस्त होम द्रव्य भी अर्पित करें। दंड, अक्षसुत, कौपीन तथा भिक्षा पात्र भी देव विग्रह को अर्पित करें। काजल, कुंकुम, सुगंधित तेल, केशों को शुद्ध करने वाली कंघी, पान, दर्पण तथा गोरोचन भी उत्तर दिशा में। तत्पश्चात आसन, खड़ायु, पात्र, योगपट्ट और छत्र, ये वस्तुएं भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए ईशान कोण में ईशान मंत्र से ही निवेदित करें। पूर्व दिशा में घी सहित चरु तथा गंध आदि भगवान तत्पुरुष को समर्पित करें। तदनंतर अर्ध जल से प्रक्षालित तथा संहिता मंत्र से शोधित पवित्रकों को लेकर अग्नि के निकट पहुँचावे। कृष्ण मृगचम्र आदि से उन्हें ढककर रखें। उनके भीतर समस्त कर्मों के साक्षी और संरक्षक संवत्तर स्वरूप अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करें। फिर स्वा और हा का प्रयोग करते हुए मंत्र संहिता के पाठ पूर्वक 21 बार उन पवित्रकों का शोधन करें। तत्पश्चात ग्रह आदि को सूत्रों से वेष्टित करें। सूर्य देव को गंध पुष्प आदि चढ़ावें। फिर पूजित हुए सूर्य देव को आचमन पूर्वक अर्घ दें। न्यास करके नंदी आदि द्वारपालों को और वास्तु देवता को भी गंधादि समर्पित करें। तदनंतर यज्ञ मंडप के भीतर प्रवेश करके शिव कलश पर उसके चारों ओर इंद्रादि लोकपालों और उनके शस्त्रों की अपने अपने नाम मंत्रों से पूजा करें। इसके बाद वर्धनी में विघ्नराज गुरु और आत्मा का पूजन करें। इन सब का पूजन करने के अनंतर सर्वौषधि से लिप्त, धूप से धूपित तथा पुष्प दुर्वा आदि से पूजित पवित्रक को दोनों अंजलियों के बीच में रख लें और भगवान शिव को संबोधित करते हुए कहें, सब के कारण तथा जड़ और चेतन के स्वामी परमेश्वर, पूजन की समस्त विधियों में होने वाली त्रुटि की पूर्ति के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आपसे अभिष्ट मनोरथ की प्राप्ति कराने वाली सिद्धि चाहता हूँ। आप अपनी आराधना करने वाले इस उपासक के लिए उस सिद्धि का अनुमोदन कीजिए। शंभो, आपको सदा और सब प्रकार से मेरा नमस्कार। आप मुझ पर प्रसन्न हुए। देवेश्वर, आप देवी पार्वती और गणेश्वरों के साथ आमंत्रित हैं। मंत्रेश्वरों, लोकपालों तथा सेवकों सहित आप पधारे। परमेश्वर, मैं आपको सादर निमंत्रित करता हूँ। आपकी आज्ञा से कल प्रातःकाल पवित्रारोपण तथा तत्संबंधी नियम का पालन करूंगा। इस प्रकार महादेव जी को आमंत्रित करके रेचक प्राणायाम के द्वारा अमृतीकरण की क्रिया संपादित करते हुए शिवांत मूल मंत्र का उच्चारण एवं जप करके उसे भगवान शिव को समर्पित करें। जप, स्तुति एवं प्रणाम करके भगवान शंकर से अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात चरु से तृतीय अंश का होम करें। उसे शिव स्वरूप अग्नि को दिग्वासियों को, दिशाओं को, अधिपतियों को, भूतगणों को, मातृगणों को, एकादश रुद्रों को तथा क्षेत्रफल आदि को उनके नाम मंत्र के साथ नमः स्वाहा बोलकर आहुति के रूप में अर्पित करें। इसके बाद उन सबका चतुरंत नाम बोलकर अतयम बलि कहते हुए बलि समर्पित करें। पूर्वादि दिशाओं में दिग्गजों आदि के साथ दिक्पालों को, क्षेत्रपालों को तथा अग्नि को भी बलि समर्पित करनी चाहिए। बलि के पश्चात आचमन करके विधि में छिंद्र पूरक होम करें। फिर पूर्णाहुति और व्याहृति होम करके अग्निदेव को अवरुद्ध करें। तदनंतर ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्निशोभ्याय स्वाहा, ओम अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा, इन चार मंत्रों से चार आहुतियां देकर भावी कार्य की योजना करें। अग्निकुंड में पूजित हुए आराध्य देव भगवान शिव को पूजा मंडल में पूजित कलश शिव में नाड़ी संधान रूप में विधि से संयोजित करें। फिर बांस आदि के पात्र में पट और नमः के उच्चारण पूर्वक अस्त्रन्यास और हृदयन्यास करके उसमें सब पवित्रकों को रखें। इसके बाद शांति कलात्मने नमः, विद्या कलात्मने नमः, निवृत्ति कलात्मने नमः, प्रतिष्ठा कलात्मने नमः, शांत्यतीत कलात्मने नमः, इन कला मंत्रों द्वारा उन्हें अभिमंत्रित करें। फिर प्रणव मंत्र अथवा मूल मंत्र से षटंगन्यास करके नमः हूं एवं फट का उच्चारण करके उनमें क्रमशः हृदय, कवच एवं अस्त्र की योजना करें। ये सब करके उन पवित्रकों को सूत्रों से आवेष्टित करें। फिर नमः स्वाहा, वषट, होम, वौषट तथा फट, इन अंग संबंधी मंत्रों द्वारा उन सब का पूजन करके उनकी रक्षा के लिए भक्तिभाव से नम्र हो उसे जगदीश्वर शिव को समर्पित करें। इसके बाद पुष्प, धूप आदि से पूजित सिद्धांत ग्रंथ पर पवित्र अर्पित करके गुरु के चरणों के समीप जाकर उसे भक्ति पूर्वक पवित्र करें। फिर वहां से बाहर आकर आचमन करें और गोबर से लिपे पुते मंडल क्षेत्र में क्रमशः पंचगव्य, चरु एवं दंत धावन का पूजन करें। तदनंतर भलीभांति आचमन करके मंत्र से आवृत्त एवं सुरक्षित साधक रात्रि में संगीत की व्यवस्था करके जागरण करें। आधी रात के बाद भोग सामग्री की इच्छा रखने वाला पुरुष मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करता हो कुश की चटाई पर सोए। मोक्ष की इच्छा रखने वाला पुरुष भी इसी प्रकार जागरण करके उपवास पूर्वक एकाग्र चित्त केवल भस्म की शैया पर सोए। पवित्रारोपण की विधि। महादेव जी कहते हैं, स्कंद, तदनंतर प्रातः काल उठकर स्नान करके एकाग्र चित्त हो संध्या पूजन का नियम पूर्ण करके मंत्र साधक यज्ञ मंडप में प्रवेश करे और जिनका विसर्जन नहीं किया गया है ऐसे इष्टदेव भगवान शिव से पूर्वोक्त पवित्रकों को लेकर ईशान कोण में बने हुए मंडल के भीतर किसी शुद्ध पात्र में रखें। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का विसर्जन करके उन पर चढ़ी हुई निर्माल्य सामग्री को हटाकर पूर्वत शुद्ध भूमि पर 2 बार आलिंगन कर्म करें। फिर सूर्य, द्वारपाल, दिक्पाल, कलश तथा भगवान ईशान शिव का शिवाग्नि में विशेष विस्तार पूर्वक नैमित्तिक की पूजा करें। फिर मंत्र तर्पण और अस्त्र मंत्र द्वारा 108 बार प्रायश्चित होम करके धीरे से मंत्र बोलकर पूर्णाहुति करते हैं। इसके बाद सूर्य देव को पवित्रक देकर आचमन करें। फिर द्वारपाल आदि को, दिक्पालों को, कलश को और वर्धनी आदि पर भी पवित्रक अर्पण करें। तदनंतर भगवान शिव के समीप अपने आसन पर बैठकर आत्मा, गण, गुरु और अग्नि को पवित्र करें। उस समय भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना करें, देव, आप काल स्वरूप हैं। आपने मेरे कार्य के विषय में जैसी आज्ञा दी थी उसका ठीक ठाक पालन न करके मैंने जो विहित कर्म को क्लेशयुक्त त्रुटियों से पूर्ण कर दिया है अथवा आवश्यक विधि को छोड़ दिया है या प्रकट को गुप्त कर दिया है, वो मेरा किया हुआ क्लिष्ट और संस्कार शून्य कर्म इस पवित्र आरोपण की विधि से सर्वथा अक्लिष्ट परिपूर्ण हो जाए। शंभो, आप अपनी ही इच्छा से मेरे इस पवित्र द्वारा संपूर्ण रूप से प्रसन्न होकर मेरे नियम को पूर्ण कीजिए। मुमुक्षु पुरुषों के लिए आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व के क्रम से मंत्रोच्चारण पूर्वक पवित्र अर्पित करने वाला विधान तथा भोगाभिलाषी पुरुष क्रमशः शिव तत्व, विद्या तत्व और आत्म तत्व के अधिपति शिव को मंत्रोच्चारण पूर्वक पवित्र अर्पित करे, उसके लिए ऐसा ही विधान है। मुमुक्षु पुरुष स्वाहांत मंत्र का उच्चारण करे और भोगाभिलाषी पुरुष नमोह परंत का उच्चारण करे। स्वाहांत मंत्र का स्वरूप इस प्रकार है, स्वाहा की जगह नमः पद रख देने से ये ही मंत्र भोगाभिलाषियों के उपयोग में आने वाले हो जाते हैं, परंतु इनका क्रम ऊपर बताए अनुसार ही होना चाहिए। गंगावतारक अर्पण करने के पश्चात हाथ जोड़कर भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना करें, परमेश्वर, आप ही समस्त प्राणियों की गति, आप ही चराचर जगत की स्थिति के हेतुभूत अथवा लय के आश्रय, आप संपूर्ण भूतों के भीतर विचरते हुए उनके साक्षी स्वरूप से व्यवस्थित, मन, वाणी और क्रिया द्वारा आपके सिवा दूसरी कोई मेरी गति नहीं। महेश्वर, मैंने प्रतिदिन आपके पूजन में जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, द्रव्यहीन तथा जप, होम और अर्चन से हीन कर्म किया, जो आवश्यक कर्म नहीं किया तथा जो शुद्ध वाक्य से रहित कर्म किया है वो सब आप पूर्ण करें। परमेश्वर, आप परम पवित्र हैं। आपको अर्पित किया हुआ ये पवित्र समस्त पापों का नाश करने वाला है। आपने सर्वत्र व्याप्त होकर इस समस्त चराचर जगत को पवित्र कर रखा है। देव, मैंने व्याकुलता के कारण अथवा अंग वैकल्य दोष के कारण जिस व्रत को खंडित कर दिया है वो सब आपकी आज्ञा रूप सूत्र में गूंथकर एक अखंड हो जाए। तत्पश्चात जप निवेदन करके उपासक भक्ति पूर्वक भगवान की स्तुति करे और उन्हें नमस्कार करके गुरु की आज्ञा के अनुसार 4 मास 3 मास 3 दिन अथवा 1 दिन के लिए ही नियम ग्रहण करे। भगवान शिव को प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगकर व्रती पुरुष कुंड के समीप जाए और अग्नि में विराजमान भगवान शिव के लिए भी 4 पवित्रक तक अर्पित करके पुष्प, धूप और अक्षत आदि से उनकी पूजा करे। इसके बाद रुद्र आदि को अंतर्बली एवं पवित्रक निवेदित करें। तत्पश्चात पूजा मंडप में प्रवेश करके भगवान शिव का स्तवन करते हुए प्रणाम पूर्वक क्षमा प्रार्थना करें। प्रायश्चित होम करके खीर को आहुति दें। मंद स्वर में मंत्र बोलकर पूर्णाहुति करके अग्नि में विराजमान शिव का विसर्जन करें। फिर व्याहृति होम करके निष्ठुरा द्वारा अग्नि को निरुद्ध करे और अग्नि आदि का निम्नोक्त मंत्रों से 4 आहुति। तत्पश्चात दिक्पालों को पवित्र एवं बाह्य बलि अर्पित करें। इसके बाद सिद्धांत ग्रंथ पर उसके बराबर का पवित्र अर्पित करें। पूर्वोक्त व्याहति होम के मंत्र इस प्रकार है। ओम हां भू स्वाहा, ओम हां भूम स्वाहा, ओम हां स्व स्वाहा, ओम हां भूभर्व स्वाहा। इस प्रकार व्याहृतियों द्वारा होम करके अग्नि आदि के लिए चार आहुतियां देकर दूसरा कार्य करें। इन चार आहुतियों के मंत्र इस प्रकार है। ओम हां अग्नये स्वाहा, ओम हां सोमाय स्वाहा, ओम हां अग्नि सोमाभ्याय स्वाहा, ओम हां अग्नये स्विष्ट कृते स्वाहा। फिर गुरु की शिव के समान वस्त्राभूषण आदि विस्तृत सामग्री से पूजा करें, जिसके ऊपर गुरुदेव पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं। उस साधक का सारा वार्षिक कर्मकांड आदि सफल हो जाता है, ऐसा परमेश्वर का कथन। इस प्रकार गुरु का पूजन करके उन्हें हृदय तक लटकता हुआ पवित्र धारण करावें और ब्राह्मण आदि को भोजन कराकर भक्तिपूर्वक उन्हें वस्त्र आदि दें। उस समय ये प्रार्थना करें कि देवेश्वर भगवान सदाशिव इस दान से मुझ पर प्रसन्न हो। फिर प्रातः काल भक्तिपूर्वक स्नान आदि करके भगवान शंकर की श्री विग्रह से पवित्रकों को समेट लें और 8 फूलों से उनकी पूजा करके उनका विसर्जन करें। फिर पहले की तरह विस्तार पूर्वक नित्य नैमित्तिक पूजन करके पवित्र चढ़ाकर प्रणाम करने के पश्चात अग्नि में शिव का पूजन। तदनंतर अस्त्र मंत्र से प्रायश्चित होम करके पूर्णाहुति दे। भोग सामग्री की इच्छा वाले पुरुष को चाहिए कि वो भगवान शिव को अपना सारा कर्म समर्पित करे और कहे, प्रभो आपकी कृपा से मेरा ये कर्म मनोवांछित फल का साधक हो। मोक्ष की कामना रखने वाला पुरुष भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना करे, नाथ ये कर्म मेरे लिए बंधन कारक न हो। इस तरह प्रार्थना करके अग्नि में स्थित शिव को नाड़ी योग के द्वारा अंतरात्मा में स्थित शिव में संयोजित करे। फिर अणु समूह का हृदय में न्यास करके अग्निदेव का विसर्जन कर दे और आचमन करके पूजा मंडप के भीतर प्रविष्ट हो। कलश के जल को सब ओर छिड़कते हुए भगवान शिव से संयुक्त करके कहे, प्रभो मेरी त्रुटियों को क्षमा करो। इसके बाद विसर्जन करें। तदनंतर लोकपाल आदि का विसर्जन करके भगवान शिव की प्रतिमा से पवित्रक लेकर चंडेश्वर की प्रतिमा से उनकी भी पूजा करके उन्हें वो पवित्रक अर्पित करें और शिव निर्माल्य आदि सारी सामग्री पवित्रक के साथ ही उन्हें समर्पित करें। अथवा विधि पूर्वक चंडेश्वर की पूजा करके उनसे प्रार्थना पूर्वक कहे, चंडनाथ मैंने जो कुछ वार्षिक कर्म किया है वो यदि न्यूनता या अधिकता के दोष से युक्त है तो आपकी आज्ञा से वो दोष दूर होकर मेरा कर्म सांगोपांग परिपूर्ण हो जाए। इस प्रकार प्रार्थना करके देवेश्वर चंड को नमस्कार करें और स्तुति के पश्चात उनका विसर्जन कर दें। निर्माल्य का त्याग करके शुद्ध हो भगवान शिव को नहलाकर उनका पूजन करें। घर से 5 योजन दूर रहने पर भी गुरु के समीप पवित्र आरोहण कर्म का संपादन करना चाहिए। पेज नंबर 167। दमन कारोपण की विधि। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद अब मैं दमन कारोपण की विधि का वर्णन करूंगा। इसमें भी सब कार्य पूर्ववत करने चाहिए। प्राचीन काल में भगवान शंकर के कोप से भैरव की उत्पत्ति हुई। भैरव ने देवताओं का दमन आरंभ किया। ये देख त्रिपुरारी शिव ने रुष्ट होकर भैरव को शाप दिया, तुम वृक्ष हो जाओ। फिर भैरव के क्षमा मांगने पर प्रसन्न हो भगवान शिव बोले, जो मनुष्य तुम्हारे पत्रों द्वारा पूजन करेंगे अथवा तुम्हारी पूजा करेंगे उनका मनोवांछित फल पूरा होगा। उनकी इच्छा किसी तरह अपूर्ण नहीं रहेगी। सप्तमी या त्रयोदशी तिथि को मंत्रवेत्ता पुरुष संहिता मंत्रों से दमनक वृक्ष की पूजा करके उसे भगवान शंकर के वाक्य का स्मरण दिलाते हुए जगावें। हर प्रसाद संभवत त्वमत्र सन्निधि भव शिव कार्य समुद्दश्य नेतव्योसि शिव कार्य समुद्दश्य नेतवो शिशिवाज्ञा। दमनक तुम भगवान शंकर के कृपा प्रसाद से प्रकट हुए हो, तुम यहाँ सन्निहित हो जाओ। भगवान शिव की आज्ञा से उन्हीं के कार्य के उपदेश से मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाना है। घर पर भी उस वृक्ष को आमंत्रित करें और सायंकाल में अधिवासन कर्म संपन्न करें। विधि पूर्वक सूर्य, शंकर और अग्निदेव की पूजा करके इष्ट देवता के पश्चिम भाग में मिट्टी के साथ संयुक्त करके उस वृक्ष की जड़ को स्थापित करें। वामदेव मंत्र अथवा शिरो मंत्र से उस मंत्र की नाल तथा आंवले का फल उत्तर दिशा में रखें। उसके टूटे हुए पत्र को दक्षिण में तथा पुष्प और धावन को पूर्व में स्थापित करें। ईशान कोण में एक दोने में उसके फल और मूल को रखकर भगवान शिव का पूजन करें। उस वृक्ष की जड़, नाल, पत्र, फूल और फल इन पांचों अंगों को अंजलि में लेकर आमंत्रित करते हुए सिर पर रखें और इस प्रकार कहें। देवेश्वर, मैं आज आपको निमंत्रित करता हूं। कल प्रातः काल मुझे तपस्या का लाभ लेना है। की हुई उपासना को सफल बनाना है। वो सब कार्य आपकी आज्ञा से पूर्ण हो। तत्पश्चात पात्र में रखे हुए शेष पवित्रक को फूल मंत्र से ढककर प्रातः काल स्नान करने के पश्चात जगदीश्वर शिव का गंध पुष्प आदि से पूजन करें। तदनंतर नित्य नैमित्तिक कर्म करके दमनक से पूजन करें। शेष दमनक को अंजलि में लेकर उपरोक्त इन चार मंत्रों द्वारा दमनक चढ़ाकर शिव का पूजन करना चाहिए। तदनंतर दमनक की चौथी अंजलि लेकर ओम हौ महेश्वराय मखम पुरय पुरय शूलपाणाय नमः इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक भगवान शिव को अर्पित करें। इस प्रकार शिव और अग्नि की पूजा करके गुरु की विशेष रूप से अर्चना करते हुए प्रार्थना करें। भगवान, मैं दमनक द्वारा पूजन कर्म में जो न्यूनता या अधिकता कर दी गई है वो सब आपकी कृपा से परिपूर्ण हो जाए। इस रीति से दमनकारोपण कर्म का संपादन करके मनुष्य चैत्रमास जनित संपूर्ण फल को पाता है और अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए दीक्षा की विधि बताऊंगा जो समस्त पापों का नाश करने वाली है, जिसके द्वारा मल और माया आदि पाशों का निवारण किया जाता है। जिससे शिष्य में ज्ञान की उत्पत्ति कराई जाती है उसका नाम दीक्षा है। वो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। पशु पाशबद्ध जीव शुद्ध विद्या द्वारा अनुग्राह्य कहा जाता है। पशु पाशबद्ध जीव शुद्ध विद्या द्वारा अनुग्राह कहा गया है। वो तीन प्रकार का होता है। पहला विज्ञानाकल्प, दूसरा प्रयलाकल्प और तीसरा सकल्प। उनमें से प्रथम अर्थात विज्ञानाकल्प पशु केवल मल रूप पाश से युक्त होता है। दूसरा अर्थात प्रयालाकल्प पशु मल और कर्म इन दोनों पाशों से आबद्ध होता है। और तीसरा अर्थात शकल पशु कला आदि लेकर भूमि पर्यंत सारे तत्व समूहों से बंधा होता है, अर्थात वो मल, माया तथा कर्म त्रिविध पाशों से बंधा हुआ बताया गया है। इन पाशों से मुक्त होने के लिए जीव को आचार्य से मंत्राधना की दीक्षा लेनी होती है। वो दीक्षा दो प्रकार की मानी गई है, एक निराधारा और दूसरी साधारा। उपर्युक्त तीन पशुओं में से विज्ञानाकल और प्रयालाकल इन दो पशुओं के लिए निराधारा दीक्षा बताई गई है और सकल पशु के लिए साधारा। आचार्य की अपेक्षा न रखकर शंभु द्वारा ही तीव्र शक्तिपात करके जो दीक्षा दी जाती है वो निराधारा कही गई है। आचार्य के शरीर में स्थित होकर भगवान शंकर अपनी मंदा, तीव्रा आदि भेद वाली शक्ति से जिस दिशा का संपादन करते हैं वो साधारा कहलाती है। ये साधारा दीक्षा सबीजा, निर्बीजा, साधिकारा और अनाधिकारा इन भेदों के द्वारा जिस तरह चार प्रकार की हो जाती है वो बताया जाता है। समर्थ पुरुषों को जो समयाचार से युक्त दीक्षा दी जाती है उसे सबीजा कहते हैं और असमर्थ पुरुषों को दी जाने वाली समयाचार शून्य दीक्षा निर्बीजा कही जाती है। जिस दीक्षा से साधक और आचार्य को नित्य नैमित्तिक एवं काम्य कर्मों में अधिकार प्राप्त होता है वो साधिकारा दीक्षा है। निर्बीजा दीक्षा में दीक्षित होने वाले लोगों को तथा समयाचार की दीक्षा लेने वाले साधारण शिष्य एवं पुत्र संज्ञक शिष्य विशेष को नित्य कर्म पात्र के अधिकारी होने के कारण जो दीक्षा दी जाती है वो निर्धिकारा दीक्षा कहलाती है। साधारा और निराधारा भेद से जो दीक्षा के दो भेद बताए गए हैं उनमें से प्रत्येक के निम्नांकित दो रूप या भेद होते हैं। एक तो क्रियावती कही गई है जिसमें कर्मकांड की विधि से कुंड और मंडल की स्थापना एवं पूजा की जाती है। दूसरी ज्ञानवती दीक्षा है जो बाह्य सामग्री से नहीं मानसिक व्यापार मात्र से साध्य है। इस प्रकार अधिकार प्राप्त आचार्य द्वारा दीक्षा कर्म का संपादन होता है। स्कंद गुरु को चाहिए कि वो नित्य कर्मा का विधिवत अनुष्ठान करके शिष्य का दीक्षा कर्म संपन्न करे। प्रणव के जप पूर्वक गुरु अपने करकमल में अर्ध जल ले द्वारपालों का पूजन करे। फिर विघ्नों का निवारण करने के अनंतर द्वार देहली पर अस्त्रन्यास करके अपने आसन पर बैठे। शास्त्रोक्त विधि से भूत शुद्धि एवं अंतर ध्यान करे। तिल, चावल, सरसों, कुश, दुर्वांकुर, जौ, दूध और जल इन सब को एकत्रित करके विशेषाधर्य बनावे। उसके जल से समस्त द्रव्यों पूजन सामग्रियों की शुद्धि करे। फिर तिलक संबंधी अपने संप्रदाय के मंत्र से भालदेश में तिलक लगावे। फिर पूर्ववत पूजन, मंत्र शोधन तथा पंचगव्य प्राशन आदि कार्य करने चाहिए। क्रमशः लावा, चंदन, सरसों, भस्म, दुर्वा, अक्षत, कुश और अंत में पुनः शुद्ध लावा ये सब विकिर बिखरने योग्य द्रव्य कहे गए हैं। इन सब वस्तुओं को एकत्र करके 7 बार अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित करें। अस्त्र मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल से इनका प्रोक्षण करके फिर कवच मंत्र हम से अवगुंठन करके ये भावना करें कि वे विघ्न समूह का निवारण करने वाले नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं। तदनंतर प्रादेश मात्र लंबे कुश के 36 दलों से वेणी रूप बोध में उत्तम खड्ग बनाकर उसे 7 बार जपते हुए शिव मंत्र से अभिमंत्रित करें। फिर उसे शिव स्वरूप मानकर भावना द्वारा अपने हृदय में स्थापित करें। साथ ही जगदाधार भगवान शिव की जो झांकी अपने को अभिष्ट हो उसी रूप में उनका ध्यान चिंतन करके निष्कल परमात्मा शिव का अपने भीतर न्यास करें। तत्पश्चात ये भावना करे कि मैं साक्षात शिव हूँ। फिर सिर पर मूल मंत्र से अभिमंत्रित श्वेत पगड़ी रखकर अपने शरीर को गंध पुष्प एवं आभूषणों से अलंकृत करें। तत्पश्चात गुरु अपने दाहिने हाथ पर सुगंध द्रव्य अथवा कुमकुम द्वारा मंडल का निर्माण करें। फिर उस विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करें। इससे वो शिवहस्त हो जाता है। उस तेजस्वी शिवहस्त को शिव मंत्र से अपने मस्तक पर रखकर ये दृढ़ भावना करे कि मैं शिव से अभिन्न और सबका कर्ता साक्षात परमात्मा शिव ही हूँ। जब गुरु ऐसी भावना कर ले तब वो यज्ञ मंडप में कर्मों का साक्षी, कलश में यज्ञ का रक्षक, अग्नि में होम का अधिष्ठान, शिष्य में उसके अज्ञान में पाश का उच्छेद करने वाला तथा अंतरात्मा में अनुग्रहिता, इन 5 आकारों में ईश्वर व्यक्त ईश्वर रूप हो जाता है। गुरु इस भाव को अत्यंत दृढ़ कर ले कि वो परमेश्वर मैं ही हूँ। तदनंतर ज्ञान रूपी खड्ग हाथ में लिए हुए गुरु यज्ञ मंडप के नैऋत्य कोण वाले भाग में उत्तराभिमुख हो अर्ध जल और पंचगव्य से उस मंडप का प्रोक्षण करें। इक्षण आदि चतुष्पतांत संस्कारों से उसका संस्कार करें। फिर यज्ञ मंडप में बिखरने योग्य पूर्वोक्त वस्तुओं को बिखेर कर कुश की कूंची से उन सबको बटोर ले और उन्हें ईशान कोण में स्थापित वारधानी जलपात्र में आसन के लिए रख दे। नैऋत्य कोण में वास्तु देवताओं का और पश्चिम द्वारा लक्ष्मी का पूजन करे। साथ ही ये भावना करे कि वे मंडन रूपणी लक्ष्मी देवी रत्नों के भंडार से यज्ञ मंडप को परिपूर्ण कर रही हैं। इस प्रकार ध्यान एवं आवाहन कर हृदय मंत्र नमः के द्वारा अर्थात लक्षय नमः इस मंत्र से उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ईशान कोण में सप्तधान्य स्थापित किए हुए वस्त्र वेष्टिष्ट पंचरत्न युक्त एवं जल से परिपूर्ण पश्चिमाभिमुख कलश पर भगवान शंकर का पूजन करें। फिर उस कलश के दक्षिण भाग में सिंह पर विराजमान पश्चिमाभिमुखी शक्ति खड्ग रूपनी वारधानी का पूजन करें। तदनंतर पूर्व आदि दिशाओं में इंद्र आदि दिक्पालों का और इसके अंत में विष्णु भगवान का पूजन करें। ये सब के सब प्रणवमय आसन पर विराजमान है तथा अपने अपने वाहनों और आयुधों से संयुक्त हैं। ऐसी भावना करके उनके नामों के अंत में नमः पद जोड़कर उन्हीं से उनकी पूजा करें तथा इंद्राय नमः, विष्णवे नमः इत्यादि पहले पूर्वोक्त वारधानी को भलीभांति हाथ में ले उसे कलश के सामने की ओर से ले जाकर प्रदक्षिणा कर्म से उसके चारों ओर घुमावे और उसकी जल को अभिच्छिन्न धारा गिराता रहे। साथ ही मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए लोकपालों को भगवान शिव की निम्नांकित आज्ञा सुनावे। लोकपालगण, आप लोग यथाशक्ति सावधानी के साथ इस यज्ञ की रक्षा करें। यूं आदेश दे नीचे एक कलश रखकर उसके ऊपर उस वारधानी को स्थापित कर दे। तत्पश्चात सुस्थिर आसन वाले कलश पर भगवान शंकर का सांग पूजन करें। इसके बाद कला आदि शर्धवा का न्यास करके शोधन करें और वारधानी में अस्त्र की पूजा करें। पूजा के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम हम अस्त्रासनाय हुं फट नमः। ओम ओम अस्त्रमूर्तये हुं फट नमः। ओम हुं फट पशुपताय स्त्राय नमः। ओम होम हृदयाय हुं फट नमः। ओम श्री शीर्ष हुं फट नमः। ओम यम शिखाय हुं फट नमः। ओम शुकवचाय हुं फट नमः। ओम फट अस्त्राय हुं फट नमः। इसके बाद पाशुपतास्त्र के स्वरूप का इस प्रकार चिंतन करें। उनके चार मुख हैं, प्रत्येक मुख में दाढ़े हैं। उनके हाथों में शक्ति मुदग्गर खड्ग और त्रिशूल है तथा उनकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान है। इस प्रकार ध्यान करके लिंग मुद्रा के प्रदर्शन द्वारा भगलिंग का समायोजन करें। हृदय मंत्र नमः का उच्चारण करते हुए अंगुष्ठ से कलश का स्पर्श करें और मुट्ठी से खड्ग रूपणी वारधानी का भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए पहले मुट्ठी से वारधानी का ही स्पर्श करना चाहिए। फिर कलश के मुखभाग की रक्षा के लिए उस पर पूर्वोक्त ज्ञान खड्ग समर्पित करें। साथ ही मूल मंत्र का 108 बार जप करके वो जप भी कलश को निवेदन कर दे। उसके दशमांश का जप करके वारधानी में उसका अर्पण करें। तदनंतर भगवान से रक्षा के लिए प्रार्थना करें। संपूर्ण यज्ञों को धारण करने वाले भगवान जगन्नाथ, बड़े यत्न से इस यज्ञ मंदिर का निर्माण किया गया है, कृपया आप इसकी रक्षा करें। इसके बाद वायव्य कोण में प्रणवमय आसन पर विराजमान चार भुजाधारी गणेश जी का पूजन करें। तत्पश्चात वेदी पर शिव का पूजन करके अर्ध हाथ में लिए साधक यज्ञ कुंड के पास जाए। मंत्र देवता की तृप्ति के लिए बाएं भाग में अर्ध गंध और धृत आदि को दे, दाहिने भाग में समिधा कुशा एवं तिल आदि को रखकर कुंड, अग्निकुंड, स्नुक और धृत आदि का पूर्ववत संस्कार करके हृदय में ऊर्ध्वमुख अग्नि की प्रधानता का चिंतन करे तथा अग्नि में भगवान शिव का पूजन करे। फिर गुरु अपने शरीर में, शिव कलश में, मंडल में, अग्नि और शिष्य की देह में सृष्टि न्यास की रीति से न्यास कर्म का संपादन करके अधवा का विधि पूर्वक शोधन करने के पश्चात कुंड की लंबाई चौड़ाई के अनुसार ही अग्निदेव के मुख की लंबाई चौड़ाई का चिंतन करके अग्निजिह्वाओं के नाम मंत्र के अंत में नमः एवं स्वाहा बोलकर अभिष्ट वस्तु की आहुतियां देते हुए अग्निदेव को तृप्त करें। रेफ रहित अंतिम दो वर्णों के सभी अर्थात 7 अक्षर यदि रकार और छठे स्वर ओम पर आरूढ़ हों और उनके भी ऊपर चंद्र बिंदु रूप शिखा हो तो वे ही अग्नि की 7 जिह्वाओं के क्रमशः 7 बीज मंत्र हैं तथा यरुं यरुं श्रुं 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 अग्नि की 7 जिह्वाओं के नाम इस प्रकार हैं। अरिण्या, कनका, रक्ता, कृष्णा, सुप्रभा, अतिरिक्ता तथा बहुरूपा। ईशान पूर्व, अग्नि, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य तथा मध्य दिशा में क्रमशः इनके मुख हैं, अर्थात एक त्रिभुज के ऊपर दूसरा त्रिभुज बनाने से जो 6 कोण बनते हैं वे क्रमशः ईशान पूर्व, अग्नि, नैऋत्य, पश्चिम तथा वायव्य कोण में स्थित होते हैं। अग्नि की हिरण्य आदि 6 जिह्वाओं को इन्हीं 6 कोणों में स्थापित करें तथा अंतिम जिह्वा बहुरूपा को मध्य में। शांतिक एवं पौष्टिक कर्म में खीर आदि मधुर पदार्थों द्वारा होम करें, परंतु अभिचार कर्म में सरसों की खली, सत्तू, जौ की कांजी, नमक, राई, मट्ठा, कड़वा तेल, कांटे तथा टेढ़ी मेढ़ी समिधाओं द्वारा क्रोधपूर्वक भाषाणु भाष्य मंत्र से हवन करें। कदम्ब की कलिकाओं द्वारा होम करने से निश्चय ही यक्षिणी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वशीकरण और आकर्षण की सिद्धि के लिए बंधूक, धूपहरिया और पलाश के फूलों का हवन करना चाहिए। राज्य लाभ के लिए बिल्वफल का और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए पाटल, पारल एवं चंपा के फूलों का होम करें। चक्रवर्ती सम्राट का पद पाने के लिए कमलों का तथा संपत्ति पाने के लिए भक्षभोज्य पदार्थों का होम करें। दुर्वा का हवन किया जाए तो उससे व्याधियों का नाश होता है। समस्त जीवों को वश में करने के लिए विद्वान पुरुष प्रियंग तथा कदली के पुष्पों का हवन करें। आम के पत्ते का होम ज्वर का नाशक होता है। मृत्युंजय देवता या मंत्र का उपासक मृत्यु विजयी होता है। तिल का होम करने से अभ्युदय की प्राप्ति होती है। रुद्र शांति समस्त दोषों को शांत करने वाली है। वे प्रस्तुत प्रसंग को पुनः आरंभ करते हैं। 108 आहुतियों से मूल का और उसके दशांश आहुतियों से अंगों का तर्पण करें। यह हवन अथवा तर्पण मूल मंत्र से ही करना चाहिए। फिर पूर्ववत पूर्णाहुति दे। शिष्यों को दीक्षा में प्रवेश कराने के लिए प्रत्येक शिष्य के निमित्त मूल मंत्र का 100 बार जप करना चाहिए। साथ ही दुर्निमित्तों का निवारण तथा शुभ निमित्तों की सिद्धि के लिए मूल मंत्र से पूर्ववत 200 आहुतियां देनी चाहिए। पहले बताए हुए 2 अस्त्र संबंधी 8 मंत्र हैं। उनके आदि में मूल और अंत में स्वाहा जोड़कर पाठ करते हुए 1-1 बार तर्पण करें। मूल मंत्र में जो बीज हो उसे शिखा वशट से संपुष्टित करके अंत में ओम फट जोड़कर जप करें तो उससे मंत्र का दीपन होता है। ओम हुम शिवाय स्वाहा इत्यादि मंत्रों से तर्पण किया जाता है। इसी प्रकार ओम ओम शिवाय ओम फट इत्यादि दीपक मंत्र हैं। तदनंतर शिव मंत्र से अभिमंत्रित जल से धोई हुई बटलोई को कवच मंत्र से अवगुंठित करके उसमें रोली चंदन आदि लगा दें। फिर उसके गले में ओम फट मंत्र से अभिमंत्रित उत्तम कुश और सूत्र बांध दें। इससे चरु की सिद्धि होती है। फिर धर्म आदि 4 पायों से युक्त चौकी आदि का आसन देकर उसके ऊपर बने हुए अर्ध चंद्राकार मंडल में उस बटलोई को रखें तथा उसे आराध्य देवता की मूर्ति मानकर उसके ऊपर भावात्मक पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करें अथवा उस बटलोई के मुख को वस्त्र से बांध दें और उस पर बाह्य पुष्पों से शिव का पूजन करें। इसके बाद पश्चिमाभिमुख रखे हुए चूल्हे को देखभाल कर शुद्ध करके उसमें अहंकार बीज का न्यास करें। तत्पश्चात उसे कुंड के दक्षिण भाग में रखें और ये भावना करें कि इस चूल्हे का शरीर धर्माधर्ममय है। फिर उसके शुद्धि के लिए उसके स्पर्श पूर्वक अस्त्र मंत्र का जप करें। इसके बाद अस्त्र मंत्र फट के जप से अभिमंत्रित गाय के घी से मार्जित हुई उस बटलोही को चूल्हे पर चढ़ावें। उसमें अस्त्र मंत्र से शुद्ध किए हुए गोदुग्ध को 100 बार प्रासाद मंत्र होम से अभिमंत्रित करके डालें। फिर उस दूध में सांवा आदि के चावल छोड़े। उसकी मात्रा इस प्रकार है। 1 शिष्य की दीक्षा विधि के लिए 4 पसर चावल डालें और 2-3 आदि जितने शिष्य बढ़े उन सब के लिए क्रमशः 1-1 पसर चावल बढ़ाता जाए। फिर अस्त मंत्र से आग जलावें एवं कवच मंत्र हुम से बटलोही को ढक दें। साधक पूर्वाभिमुख हो उस शिवाग्नि में मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक चरु को पकावें। जब वो अच्छी तरह सीज जाए तब वहां श्रुवा को घी से भरकर स्वाहंत संहिता द्वारा मंत्रों द्वारा उस चूल्हे में ही तप्ताधिकार नामक आहुति दें। तदनंतर मंडल में चरोस्थाली को रखकर अस्त्र मंत्र से उस पर कुश रख दें। उसके बाद प्रणव से चूल्हे में उखलेखन और हृदय मंत्र से लेपन करके पूर्ववत तप्ताभिकार के स्थान में शीताधिकार नामक आहुति दें। इस तरह चूल्हा शीतल होता है। शीताभिधार आहुति की विधि यह है कि संहिता मंत्रों के अंत में वौषट पद जोड़कर उसके द्वारा कुंड मंडप के पश्चिम भाग में दर्भ आदि के आसन पर प्रत्येक शिष्य के निमित्त से 1-1 आहुति दे। फिर श्रुक द्वारा संपात होम करने के पश्चात संहिता मंत्र से शुद्धि करें। फिर अंत में वशट लगे हुए उसी संहिता मंत्रा द्वारा एक बार चरु लेकर धेनु मुद्रा द्वारा उसका अमृतीकरण करें। इसके बाद वेदी पर उसके द्वारा शांति होम करें। तत्पश्चात गुरु अपने शिष्यों के लिए, अग्नि देवता के लिए तथा लोकपालों के लिए धृत सहित भाग नियत करें। ये तीनों भाग समान घी से युक्त होते हैं। इन सब के नाम मंत्रों के अंत में नमः पद लगाकर उनके द्वारा उनका भाग अर्पित करें और उसी मंत्र से उन्हें आचमनीय निवेदित करें। तदनंतर मूल मंत्र से 108 आहुति देकर विधिवत पूर्णाहुति होम करें। इसके बाद मंडल के भीतर कुंड के पूर्व भाग में अथवा शिव एवं कुंड के मध्य भाग में हृदय मंत्र से रुद्र मात्र का गण आदि के लिए अंतर्बलि अर्पित करें। फिर शिव का आश्रय लें। उनकी आज्ञा पाकर एकत्व की भावना करते हुए इस प्रकार चिंतन करें। मैं सर्वज्ञता आदि गुणों से युक्त और समस्त अध्वाओं के ऊपर विराजमान शिव हूँ। यह यज्ञ संस्कार मेरा अंश है। मैं यज्ञ का अधिष्ठाता हूँ। यूं अहंकार शिव से अपने एकात्म बोध पूर्वक गुरु यज्ञ मंडप से बाहर निकले। फिर अस्त्रमंत फट्ट द्वारा निर्मित मंडल में पूर्वाग्र उत्तम कुश बिछाकर उसमें प्रणव में आसन की भावना करके उसके ऊपर स्नान किए हुए शिष्य को बिठावे। उस समय शिष्य को श्वेत वस्त्र और श्वेत उत्तरीय धारण किए रहना चाहिए। यदि वो मुक्ति का इच्छुक हो तो उसका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और यदि वो भोग का अभिलाषी हो तो उसे पूर्वाभिमुख बिठाना चाहिए। शिष्य के शरीर का घुटनों से ऊपर का ही भाग उस प्रणवासन पर स्थित रहना चाहिए, नीचे का भाग नहीं। इस प्रकार बैठे हुए शिष्य की ओर गुरु पूर्वाभिमुख होकर बैठे। मोक्ष रूपी प्रयोजन की सिद्धि के लिए शिष्य के पैरों से लेकर शिखा तक के अंगों का क्रमशः निरीक्षण करना चाहिए और यदि भोग रूपी प्रयोजन की सिद्धि अभिष्ट हो तो इसके विपरीत क्रम से शिष्य के अंगों पर दृष्टिपात करना उचित है, अर्थात उस दशा में शिखा से लेकर पैरों तक के अंगों का क्रमशः निरीक्षण करना चाहिए। उस समय गुरु की दृष्टि में शिष्य के प्रति कृपा प्रसाद भरा हो और वो दृष्टि शिष्य के समक्ष शिव के ज्योतिर्मय स्वरूप को अनावृत रूप से अभिव्यक्त कर रही हो। इसके बाद अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित जल से शिष्य का प्रोक्षण करके मंत्राम्बु स्नान का कार्य संपन्न करें। प्रोक्षण मंत्र से ही यह स्नान संपन्न हो जाता है। तदनंतर विघ्नों की शांति और पापों के नाश के लिए भस्म स्नान करावें। इसकी विधि यों है। अस्त्र मंत्र द्वारा अभिमंत्रित भस्म लेकर उसके द्वारा शिष्य को सृष्टि संहार योग से ताड़ित करें, अर्थात ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर तक अनुलोम विलोम क्रम से उसके ऊपर भस्म छिड़कें। फिर सकलीकरण के लिए पूर्ववत अस्त्र जल से शिष्य का प्रोक्षण करके उसकी नाभि के ऊपर के भाग में अस्त्र मंत्र का उच्चारण करते हुए कुशाग्र मार्जन करें और हृदय मंत्र का उच्चारण करके पापों के नाश के लिए पूर्वोक्त कुशों के मूल भाग से नाभि के नीचे के अंगों का स्पर्श करें। साथ ही समस्त पाशों को दो टूक करने के लिए पुनः अस्त्र मंत्र से उन्हीं कुशों द्वारा यथोक्त रूप से मार्जन एवं स्पर्श करें। तत्पश्चात शिष्य के शरीर में आसन सहित सांग शिव का न्यास करें। न्यास के पश्चात शिव की भावना से ही पुष्प आदि द्वारा उसका पूजन करें। उसके बाद नेत्र मंत्र बहुषट अथवा हृदय मंत्र नमः से शिष्य के दोनों नेत्रों में श्वेत कोरदार एवं अभिमंत्रित वस्त्र से पट्टी बांध दें और प्रदक्षिण कर्म से उसको शिव के दक्षिण पार्श्व में ले जाएं। वहां षडुदस्थ छहों अध्वाओं से ऊपर उठा हुआ अथवा उन छहों से उत्पन्न आसन देकर यथोचित रीति से शिष्य को उस पर बिठा दें। संहार मुद्रा द्वारा शिवमूर्ति से एकीभूत अपने आप को उसके हृदय कमल में अवरुद्ध करके उसका काया शोधन करें। तत्पश्चात न्यास करके उसकी पूजा करें। पूर्वाभिमुख शिष्य के मस्तक पर मूल मंत्र से शिवहस्त रखना चाहिए जो रुद्र एवं ईश का पद प्रदान करने वाला है। इसके बाद शिव मंत्र से शिष्य के हाथ में शिव की सेवा की प्राप्ति के लिए उपाय स्वरूप पुष्प दें और उसे शिव पर ही चढ़वावे। तदनंतर गुरु उसके नेत्र में बंधे हुए वस्त्र को हटाकर उसके लिए शिवदेव गणांगंतित स्थान मंत्र नाम आदि की उद्भावना करे अथवा अपनी इच्छा से ही ब्राह्मण आदि वर्णों के क्रमशः नामकरण करें। शिव कलश तथा वारधानी को प्रणाम करवाकर अग्नि के समीप अपने दाहिने आसन पर पूर्ववत उत्तराभिमुख शिष्य को बिठावे और ये भावना करे कि शिष्य के शरीर से सुषुम्ना निकलकर मेरे शरीर में विलीन हो गई है। स्कंद इसके बाद मूल मंत्र से अभिमंत्रित दर्भ लेकर उसके अग्रभाग को तो शिष्य के दाहिने हाथ में रखे और मूल भाग को अपनी जंघा पर अथवा अग्रभाग को ही अपनी जंघा पर रखे और मूल भाग को शिष्य के दाहिने हाथ में। शिव मंत्र द्वारा रेचक प्राणायाम की क्रिया करते हुए शिष्य के हृदय में प्रवेश की भावना करके पुनः उसी मंत्र से पूरक प्राणायाम द्वारा अपने हृदयाकाश में लौट आने की भावना करे। फिर शिवाग्नि से इसी तरह नाड़ी संधान करके उसके सन्निधान के लिए हृदय मंत्र से 3 आहुतियां दें। शिवहस्त की स्थिरता के लिए मूल मंत्र से 100 आहुतियों का हवन करें। इस प्रकार करने से शिष्य समय दीक्षा में संस्कार के योग्य हो जाता है। समय दीक्षा के अंतर्गत संस्कार दीक्षा की विधि का वर्णन। भगवान शिव कहते हैं, खडानंद अब मैं संस्कार दीक्षा की विधि का वर्णन करूं। सुनो, अग्नि में स्थित महेश्वर के शिवा शिवमय अर्धनारीश्वर रूप का अपने हृदय में आवाहन करें। शिव और शिवा दोनों एक शरीर में ही परस्पर सटे हुए हैं। इस प्रकार ध्यान द्वारा देखकर उनका पूजन करके हृदय मंत्र से संतर्पण करें। फिर उनके सन्निधान के लिए हृदय मंत्र में ही अग्नि में 5 आहुतियां दें। तदनंतर अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित पुष्प द्वारा शिष्य के हृदय में ताड़ना दें, अर्थात उसके वक्ष पर उस फूल को फेंके। फिर उसके भीतर प्रकाशमान नक्षत्र की आकृति में चैतन्य जीव की भावना करें। तत्पश्चात ओंकार युक्त रेचक प्राणायाम के योग से शिष्य के हृदय में भावना द्वारा प्रवेश करके संहारिणी मुद्रा द्वारा उस जीव चैतन्य को वहां से खींचकर पूरक प्राणायाम के योग से उसे अपने हृदय में स्थापित करें। तदनंतर उद्धव नामक मुद्रा का प्रदर्शन करके हस्तसंपुटित आत्ममंत्र का उच्चारण करते हुए रेचक प्राणायाम के सहयोग से उसका वागीश्वरी देवी की योनि में भावना का आधान करें। उक्त मंत्र का स्वरूप इस प्रकार है, ओम हा हा आत्मान मने स्वाहा। इसके बाद अत्यंत प्रज्वलित हुए धूम रहित अग्नि में अभिष्ट सिद्धि के लिए आहुति दें। अप्रज्वलित तथा धूमयुक्त अग्नि में किया गया होम सफल नहीं होता है। यदि अग्नि की लपटें दक्षिणावर्त उठ रही हो, उससे उत्तम गंध प्रकट हो रही हो तथा वो अग्नि सुगंधित प्रतीत हो रही हो तो उसे श्रेष्ठ बताया गया है। इसके विपरीत जिस अग्नि से चिंगारियां छूटती हो तथा जिसकी लपट धरती को ही चूम रही हो उसे उत्तम नहीं कहा गया। इस प्रकार के चिन्हों से शिष्य के पाप को जानकर उसका हवन कर दे अथवा पाप भक्षण निमित्तिक होम से उस पाप को जला दे। फिर नूतन रूप से उसमें द्विजत्व की प्राप्ति, रुद्रांश की भावना, आहार और बीज की शुद्धि, गर्भाधान, गर्भस्थित पुंसवन, सीमंत नयन, जातकर्म और नामकरण के लिए पृथक पृथक मूल मंत्र से 105 आहुतियां दें तथा चूड़ाकर्म आदि के लिए इनकी अपेक्षा 10 आहुतियां प्रदान करें। इस प्रकार जिसका बंधन शिथिल हो गया है उसे जीवात्मा के भीतर जो शक्ति का उत्कर्ष होता है वही उसके रुद्रपुत्र होने में निमित्त बनकर गर्भाधान कहलाता है। स्वतंत्रता पूर्वक उसमें जो आत्मगुणों की अभिव्यक्ति होती है उसी को वहाँ पुंसवन माना गया है। माया और आत्मा दोनों एक दूसरे से पृथक है। इस प्रकार जो विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है उसका नाम यहाँ सीमोंत नयन है। शिव आदि शुद्ध सद्वस्तु को स्वीकार करना जन्म माना गया है। मुझ में शिवत्व है अथवा मैं शिव हूँ, इस प्रकार जो बोध होता है वही शिवत्व के योग शिष्य का नामकरण है। संहार मुद्रा में प्रकाशमान अग्निकण के समान प्रतीत होने वाले जीवात्मा को लेकर अपने हृदय कमल में स्थापित करें। तदनंतर कुंभक प्राणायाम के योग पूर्वक मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उस समय हृदय के भीतर शक्ति और शिव की समरसता का संपादन करें। ब्रह्मा आदि कारणों का क्रमशः त्याग करते हुए रेचक योग से जीवात्मा को शिव के समीप ले जाकर फिर उद्धव मुद्रा के द्वारा उसे वापस ले ले और पूर्वोक्त हस्तसंपुटित आत्म मंत्र द्वारा रेचक प्राणायाम करते हुए विधानवेत्ता गुरु शिष्य के हृदय कमल की कर्णिका में उस जीवात्मा को स्थापित कर दे। इसके बाद गुरु शिव और अग्नि की तत्कालोचित पूजा करें और शिष्य अपने लिए प्रणाम करवाकर उसे समयाचार का उपदेश दे। वो उपदेश इस प्रकार है, इष्ट देवता शिव की कभी निंदा न करें, शिव संबंधी शास्त्रों की भी निंदा से दूर रहें, शिव निर्माल्य आदि को कभी न लांघें, जीवन पर्यंत शिव अग्नि तथा गुरुदेव की पूजा करता रहे। बालक, मूढ़, वृद्ध, स्त्री, भोगार्थी, भूखे तथा रोगी मनुष्य को यथाशक्ति धन आदि आवश्यक वस्तुएं दें। समर्थ पुरुषों के लिए सब कुछ दान करने का नियम बताया गया है। व्रत के अंगभूत जटा, भस्म, दंड, कौपीन एवं संयम पोषक अन्य वस्तुओं को ईशान आदि नामों से अथवा उनके आदि में नमः लगाकर उन नाम मंत्रों से क्रमशः अभिमंत्रित करके स्वाहंत संहिता मंत्रों का पाठ करते हुए उन्हें पात्रों में रखें और पूर्ववत संपाता बृहत संस्कार विशेष संस्कृत करके स्थंडीलेश वेदी पर स्थापित पूजित भगवान शिव के समक्ष उपस्थित करें। इनकी रक्षा के लिए क्षण भर कलश के नीचे रखें। इसके बाद गुरु शिव से आज्ञा लेकर उक्त सभी वस्तुएं व्रतधारी शिष्य को अर्पित करें। इस प्रकार विशेष रूप से विशिष्ट समय दीक्षा संपन्न हो जाने पर शिष्य अग्निहोम तथा आगम ज्ञान के योग्य हो जाता है। निर्वाण दीक्षा के अंतर्गत अधिवासन की विधि। भगवान शंकर कहते हैं, षडानन स्कंद, तदनंतर निर्वाण दीक्षा में पाश बंधन के लिए और ताड़न आदि के लिए मूल मंत्र आदि का दीपन करें। उस समय प्रत्येक के लिए एक एक या तीन तीन आहुतियां देकर मंत्रों का दीपन कर्म संपन्न करें। आदि में प्रवण और अंत में ओम फट लगाकर बीच बीच में गर्भ एवं शिखाबंध स्वरूप 3 हूं का उच्चारण करें। इससे मूल मंत्र का दीपन होता है, यथा ओम फट। इसी से हृदय का दीपन होता है, यथा ओम फट हृदयाय नमः। फिर ओम फट सिर से स्वाहा आदि कहकर सिर आदि अंगों का दीपन करें। समस्त क्रूर कर्मों में इसी तरह मूलादि का दीपन करना उचित है। शांति कर्म, पुष्टि कर्म और वशीकरण में आदिगत प्रणव मंत्र के अंत में वषट जोड़कर इसी मंत्र द्वारा प्रत्येक का दीपन करें। वषट और वौषट से युक्त तथा संपूर्ण काम्य कर्मों के ऊपर स्थित शंबर मंत्रों द्वारा आप्यायन आदि सभी कर्मों में हवन करना चाहिए। तत्पश्चात अपने वाम भाग में स्थित और मंडल में विराजमान शुद्ध शरीर वाले शिष्य का पूजन करके एक उत्तम सूत्र में सुषुम्ना नाड़ी की भावना करके मूल मंत्र से उसको शिखा बंधन तक ले जाकर वहां से फिर पैरों के अंगूठे तक ले आवे। तत्पश्चात संहार क्रम से उसे पुनः मुमुक्षु शिष्य के शिखा के समीप ले जाएं और वहीं उसे बांध दें। पुरुष के दाहिने भाग में और नारी के वाम भाग में उस सूत्र को नियुक्त करना चाहिए। इसके बाद शिष्य के मस्तक पर शक्ति मंत्र से पूजित शक्ति को संहार मुद्रा द्वारा लाकर उक्त सूत्र में उसी मंत्र से जोड़ दें। सुषुम्ना नाड़ी को लेकर मूल मंत्र से उसका सूत्र में न्यास करें और हृदय मंत्र से उसकी पूजा करें। तदनंतर कवच मंत्र से अवगुंठित करके हृदय मंत्र द्वारा 3 आहुतियां दें। ये आहुतियां नाड़ी के सन्निधान के लिए दी जाती हैं। शक्ति के सन्निधान के लिए भी इसी तरह आहुतियां देने का विधान है। तदनंतर ओम हा तत्वावधाने नमः, ओम हा पद्वाधाने नमः, ओम हा धर्माध्वने नमः, ओम हा मंत्राध्वने नमः, ओम हा कलाध्वने नमः, ओम हा भुवनाध्ववे नमः। इन मंत्रों से पूर्वोक्त सूत्र में 6 प्रकार के अवधाओं का न्यास करके अस्त्र मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल से शिष्य का प्रोक्षण करें। फिर अस्त्र मंत्र से जप पूर्वक पुष्प लेकर उसके द्वारा शिष्य के हृदय में ताड़न करें। इसके बाद पुंगार युक्त रेचक प्राणायाम के योग से वहां शिष्य के शरीर में प्रवेश करके उसके भीतर हंस बीज में स्थित जीव चैतन्य को अस्त्र मंत्र पढ़कर वहां से विलग करें। इसके बाद ओम हम हुम फट इस शक्ति सूत्र से तथा आन हा स्वाहा इस मंत्र से संहार मुद्रा द्वारा उक्त नाड़ीभूत सूत्र में उस विलग हुए जीव चैतन्य को नियुक्त करें। ओम हा आत्मात्मने नमः इस भावना का जप करते हुए जीवात्मा के व्यापक होने की भावना करें। फिर कवच मंत्र से उसका अवगुंठन करें और उसके सानिध्य के लिए हृदय मंत्र से 3 बार आहुतियां दें। तत्पश्चात विद्यादेह का न्यास करके उसमें शांततीत कला का अवलोकन करें। उस कला के अंतर्गत इतर तत्वों से युक्त आत्मा का चिंतन करें। ओम हुम शांततीत कला पाशाय नमः इस मंत्र से उक्त कला का अवलोकन करें। 2 तत्व 1 मंत्र 1 पद 16 वर्ण 8 भुवन क ख आदि बीज और नाड़ी 2 कलाएं विषय गुण और एकमात्र कारणभूत सदाशिव इन सब का श्वेत वर्णा शांतितिक कला में अंतर्भाव करके ओम हुम शांतितिक कला पाशाय हुम पट इस मंत्र से प्रताड़न करें। संहार मुद्रा द्वारा उक्त कलापाश को लेकर सूत्र के मस्तक पर रखें और उसकी पूजा करें। तदनंतर उसके सानिध्य के लिए पूर्ववत 3 आहुतियां दें। शांतितीत कला का अपना बीज है हूम 2 तत्व 2 अक्षर बीज नाड़ी क ख ये 2 अक्षर 2 गुण 2 मंत्र कमल में विराजमान एकमात्र कारणभूत ईश्वर 12 पद 7 लोक और 1 विषय इन सब का कृष्ण वर्णा शांति कला के भीतर चिंतन करें। तत्पश्चात पूर्ववत ताड़न करके सूत्र के मुखभाग में इन सब का नियोजन करें। इसके बाद सानिध्य के लिए अपने बीज मंत्र द्वारा 3 आहुतियां दें। शांति कला का अपना बीज है 7 तत्व 21 पद 6 वर्ण 1 शंबर 5 लोक 3 गुण 1 विषय रुद्र रूप कारण तत्व बीज नाड़ी और क ख ये 2 कलाएं इन सब का अत्यंत रक्त वर्ण वाली विद्या कला में अंतर्भाव करके आवाहन और संयोजन पूर्वक पूर्वोक्त सूत्र के हृदय भाग में स्थापित करके अपने मंत्र से पूजन करें और इन सब की सन्नधि के लिए पूर्ववत 3 आहुतियां दें। आहुति के लिए बीज मंत्र इस प्रकार है हुम 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 24 तत्व 25 वर्ण बीज नाड़ी क ख ये 2 कलाएं 22 पद 60 लोक 60 कला 4 गुण 3 मंत्र 1 विषय तथा कारण रूप श्रीहरि का शुक्ल पर्णा प्रतिष्ठा कला में अंतर्भाव करके ताड़न आदि करें। फिर इन सबका पूर्वोक्त सूत्र के नाभिभाग में संयोजन करके सन्नधिकरण के लिए 3 आहुतियां दें। उसके लिए बीज मंत्र इस प्रकार है हुम 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 108 भुवन या लोक 28 पद बीज नाड़ी और समीर की 2 2 संख्या 2 इंद्रियां 1 वर्ण 1 तत्व 1 विषय 5 गुण कारण रूप कमलासन ब्रह्मा और 4 शंबर इन सब का पीत वर्णा निवृत्ति कला में अंतर्भाव करके ताड़न करें। इन्हें ग्रहण करके सूत्र के चरण भाग में स्थापित करने के पश्चात इनकी पूजा करें और इनके सानिध्य के लिए अग्नि में 3 आहुतियां दें। आहुति के लिए बीज मंत्र यो हैं हुम 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 इस प्रकार सूत्रगत 5 कलाओं को लेकर शिष्य के शरीर में उसका संयोजन करें। सविजा दीक्षा में समयाचार पाश से देहारंभ धर्म से मंत्र सिद्धि के फल से तथा इष्टापूर्तादि धर्म से भिन्न भिन्न चैतन्य रोधक सूक्ष्म प्रबंध का कलाओं के भीतर चिंतन करें। इसी क्रम से अपने मंत्र द्वारा 3 3 आहुतियां देते हुए तर्पण और दीपन करें। ओम हुम शांततीत कला पाशाय स्वाहा इत्यादि मंत्र से तर्पण करें। ओम हुम हुम शांततीत कला पाशाय हुम हुम फट इत्यादि मंत्र से दीपन करें। पूर्वोक्त सूत्र की व्याप्ति बोध के लिए 5 कला स्थानों में सुरक्षा पूर्वक रखकर उस पर कुमकुम आदि के द्वारा सांग शिव का पूजन करें। फिर कला मंत्र के अंत में ओम फट इन पदों को जोड़कर उसका उच्चारण करते हुए क्रमशः पाशों का भेदन करके नमस्कारांत कला मंत्रों द्वारा ही उनके भीतर प्रवेश करें। साथ ही उन कलाओं का ग्रहण एवं बंधन भी करें। ओम हुम हुम शांततीत कला ग्रहामि बध्वामि इत्यादि मंत्रों द्वारा कलाओं के ग्रहण एवं बंधन आदि का प्रयोग होता है। पाश आदि का वशीकरण या भेदन, ग्रहण और बंधन तथा पुरुष के प्रति संपूर्ण व्यापारों का निषेध, ये बारंबार प्रत्येक कला के लिए आवश्यक कर्तव्य है। तदनंतर शिष्य को बिठाकर पूर्वोक्त सूत्र को उसके कंधे से लेकर उसके हाथ में दें और भूले भटके पापों का नाश करने के लिए 100 बार मूल मंत्र से हवन करें। अस्त्र संबंधी मंत्र के संपुट पुरुष के और प्रणव के संपुट में स्त्री के सूत्र को रखकर उसे हृदय मंत्र से संपुटित करके उसी मंत्र से उसकी पूजा करें। सांग शिव से सूत्र को संपात शोधित करके कलश के नीचे रखें और उसकी रक्षा के लिए इष्ट देव से प्रार्थना करें। शिष्य के हाथ में फूल देकर कलश आदि का पूजन एवं प्रणाम करने के अनंतर याग मंदिर के मध्य भाग से बाहर जाएं। वहां 3 मंडल बनाकर मुक्ति की इच्छा रखने वाले शिष्यों को उत्तराभिमुख बिठावे और भोग के अभिलाषा रखने वाले शिष्यों को पूर्वाभिमुख। पहले कुशयुक्त हाथ से 3 चुल्लू पंचगव्य पिलावे, बीच में कोई आचमन न करें। तत्पश्चात दूसरी बार प्रत्येक शिष्य को 3 या 8 ग्रास चरु दे। मुक्तिकामी शिष्य को पलाश के दोने में दे और भोगेच्छु को पीपल के पत्ते से बने हुए दोने में चरु देकर उसे हृदय मंत्र के उच्चारण पूर्वक दांतों के स्पर्श बिना खिलाना चाहिए। चरु देकर गुरु स्वयं हाथ धो शुद्ध होकर पवित्र जल से उन शिष्यों को आचमन करावे। इसके बाद हृदय मंत्र से दातून करके उसे फेंक दे। उसका मुखभाग शुभ दिशा की ओर हो तो उसका शुभ फल होता है। न्यूनता आदि दोषों को दूर करने के लिए मूल मंत्र से 108 बार आहुति दे। स्थंडिलेश्वर वेदी पर स्थापित पूजित शिव को संपूर्ण कर्म समर्पित करें। तदनंतर इनकी पूजा और विसर्जन करके चंडेश का पूजन करें। तत्पश्चात निर्माल्य को हटाकर चरु के शेष भाग को अग्नि में होम दें। कलश और लोकपालों का पूजन एवं विसर्जन करके गण और अग्नि का भी यदि वे बाह्य दिशा में रक्षित हो तो विसर्जन करें। मंडल से बाहर लोकपालों को भी संक्षेप से बलि अर्पित करके भस्म और शुद्ध जल के द्वारा स्नान करने के पश्चात याग मंडप में प्रवेश करें। वहां गुरु साधक को कुश के शैया पर अस्त्र मंत्र से रक्षित करके सुलावें। उनका सिरहाना पूर्व की ओर होना चाहिए। जो साधक या शिष्य विरक्त हो उन्हें हृदय मंत्र से उत्तम भस्ममयी शैया पर सुलावें। उन सबके मस्तक दक्षिण की दिशा की ओर होना चाहिए। सभी शिष्य अस्त्र मंत्र से रक्षित होकर शिखा मंत्र से अपनी अपनी शिखा बांध लें। तदनंतर गुरु उन्हें स्वप्न मानव का परिचय देकर सो जाने की आज्ञा प्रदान करें और स्वयं मंडल से बाहर चला जाए। इसके बाद ओम हिली हिली शूल पाणाय नमः स्वाहा इस मंत्र से पंचगव्य और चरु का प्राशन करके दंत धावन ले आचमन करें। फिर भगवान शिव का ध्यान करके पवित्र शैया पर आकर दीक्षागत क्रियाकांड का स्मरण करते हुए गुरु शयन करें। इस प्रकार दीक्षावासन की विधि संक्षेप से बताई गई। निर्वाण दीक्षा के अंतर्गत निवृत्ति कला शोधन विधि। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद, तदनंतर प्रातःकाल उठकर गुरु स्नान आदि से निवृत्त हो शिष्यों से उनके द्वारा देखे गए स्वप्न को पूछें। स्वप्न में दही, ताजा कच्चा मांस और मध्य आदि का दर्शन या उपयोग उत्तम बताया गया है। ऐसा स्वप्न शुभ का सूचक होता है। सपने में हाथी और घोड़े पर चढ़ना तथा श्वेत वस्त्र आदि का दर्शन शुभ है। स्वप्न में तेल लगाना आदि अशुभ माना गया है। उसकी शांति के लिए अघोर मंत्र से होम करना चाहिए। प्रातः और मध्याह्न 2 कालों का नित्य कर्म करके यज्ञ मंडप में प्रवेश करें तथा विधिवत आचमन करके नैमित्तिक विधि में भी नित्य के समान ही कर्म करें। तत्पश्चात अद्वशुद्धि करके अपने ऊपर शिवहस्त रखें। फिर कलशस्थ शिव का पूजन करके क्रमशः इंद्रादि दिक्पालों की भी पूजा करें। मंडल में और वेदी पर भी भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इसके बाद तर्पण, अग्नि पूजन, पूर्णाहुति पर्यंत होम एवं मंत्र तर्पण करें। दुस्वप्न दर्शन जनित दोष का निवारण करने के लिए हुम संपुष्टित अस्त्र मंत्र ओम फटूम के द्वारा 108 आहुतियां देकर मंत्र दीपन करें। वेदी और कलश के मध्य भाग में अंतरबलि का अनुष्ठान करके शिष्यों के प्रवेश के लिए इष्ट देव से आज्ञा लेकर गुरु मंडप से बाहर जाए, वहां समय दीक्षा की ही भांति मंडलारोपण आदि करें। फिर निवृत्ति कला के सानिध्य के लिए मूल मंत्र से 3 आहुतियां देकर कुंभस्थ शिव की पूजा करके कलापाश में सूत्र अर्पित करें। तदनंतर पूजित शिष्य के ऊपरी शरीर के दक्षिणी भाग में उसके शिखा में उस सूत्र को बांधें और उसे पैर के अंगूठे तक लंबा रखें। इस प्रकार उस पाश का निवेश करके उसमें मन ही मन निवृत्ति कला की व्याप्ति का दर्शन करें। उसमें 108 भुवन जानने योग्य हैं। कपाल, अज, अहिर्बंधु, वज्रदेह, प्रमर्दन, विभूति, अव्यय, शास्ता, पिनाकी, त्रिदशाधीप ये 10 रुद्र पूर्व दशा में विराजते हैं। अग्निभद्र, हुताश, पिंगल, खादक, हर, ज्वलन, दहन, बभ्रू, भस्मांतक, क्षपांतक ये 10 रुद्र अग्निकोण में स्थित हैं। दम्य, मृत्युहर, धाता, विधाता, कर्ता, काल, धर्म, अधर्म, संयोक्ता, वियोजक ये 10 रुद्र दक्षिण दिशा में शोभा पाते हैं। नैरिक्त, मारुत, हंता, क्रूर दृष्टि, भयानक, उधर्वकेश, विरूपाक्ष, धूम्र, लोहित, दृष्टि ये 10 रुद्र नैरित्य कोण में स्थित हैं। बल, अतिबल, पाशहस्त, महाबल, श्वेत, जयभद्र, दीर्घबाहु, जलांतक, वडवास, भीम ये 10 रुद्र वरुण दिशा में स्थित बताए गए हैं। शीघ्र, लघु, वायुवेग, सूक्ष्म, तीक्ष्ण, क्षमांतक, पंचांतक, पंचशिक, कपर्दी, मेघवाहन ये 10 रुद्र वायव्य कोण में स्थित हैं। जटा मुकुटधारी, नाना रत्नधर, निधिश, रूपवान, धन्य, सौम्य देह, प्रसादकृत, प्रकाम, लक्ष्मीवान, कामरूप ये 10 रुद्र उत्तर दिशा में स्थित हैं। विद्याधर, ज्ञानधर, सर्वज्ञ, वेदपारक, मातृवृत, टिंकाक्ष, भूतपाल, बलिप्रिय, सर्वा विद्या विधाता, सुख दुखकर ये 10 रुद्र ईशान कोण में स्थित हैं। अनंत, पालक, धीर, पातालाधिपति, वृष, वृषधर, वीर, ग्रसन, सर्वतोमुख, लोहित इन 10 रुद्रों की स्थिति नीचे की दिशा पाताल लोक में समझनी चाहिए। शंभु, विभु, गणाध्यक्ष, त्रक्ष, त्रिदश वंदित, संवाह, विवाह, नभ, लिप्सु, विचक्षण ये 10 रुद्र उधर्व दिशा में विराजमान हैं। हुकुक, कालाग्नि रुद्र, हाटक, कुष्मांड, सत, ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र ये 8 रुद्र ब्रह्मांड कटाह के भीतर स्थित हैं। ये स्मरण रखना चाहिए कि इन्हीं के नाम पर 108 हाथ भूनों के भी नाम हैं। सद्धावेश्वर, महातेज, योगाधिपते, मुंच मुंच, प्रमथ प्रमथ, शर्व शर्व, भव भव, भब्बोधव, सर्वभूत सुखप्रद, सर्वसानिध्य कर, ब्रह्म विष्णु रुद्र पर अनचिरता नरचित, अनसंतुष्टा संतुष्ट, पूर्वस्थित पूर्वस्थित, साक्षिन साक्षिन, तुरु तुरु, पतंग पतंग, पिंग पिंग, ज्ञान ज्ञान, शब्द शब्द, सूक्ष्म सूक्ष्म, शिव, सर्व सर्वद, ओम नमो नमः, ओम नमः शिवाय, नमो नमः ये 28 पद है। स्कंद व्यापक आकाश मन है। ओम नमो वौषट ये अभिष्ट मंत्र वर्ण है। अकार और लकार अल बीज है। इडा और पिंगला नाम वाली 2 नाड़ियां हैं। प्राण और अपान 2 वायु हैं और घ्राण तथा उपस्थ ये 2 इंद्रियां हैं। गंध को विषय कहा गया है तथा इसमें गंध आदि 5 गुण हैं। ये पृथ्वी तत्व से संबंधित हैं। इसका रंग पीला है, इसकी मंडलाकृति भूगुर चौकोर है और चारों ओर से वज्र से अंकित है। इस पार्थिव मंडल का विस्तार 100 कोटि योजन माना गया है। 14 योनियों को भी इसी के अंतर्गत जानना चाहिए। प्रथम 6 योनियां मृग आदि की हैं और 8 दूसरी देवयानियां हैं। उनका विवरण इस प्रकार है। मृग पहली योनि है, दूसरी पक्षी, तीसरी पशु, चौथी सर्प आदि, 5वें स्थावर और 6ठी योनि मनुष्य की है। 8 देवयोनियों में प्रथम पिशाचों की योनि है, दूसरी राक्षसों की, तीसरी यक्षों की, चौथी गंधर्वों की, 5वीं इंद्र की, 6ठी सोम की, 7वीं प्रजापति की और 8वीं योनि ब्रह्मा की बताई गई है। पार्थिव तत्व पर इन 8 का अधिकार माना गया है। लय होता है प्रकृति में, भोग होता है बुद्धि में और ब्रह्मा कारण है। तदनंतर जागृत अवस्था पर्यंत समस्त भुवन आदि से गर्भित हुई निवृत्ति कला का ध्यान करके उसका अपने मंत्र में विनियोग करें। वो मंत्र इस प्रकार है। ओम हा स्वाहा निवृत्ति कला पाशाय फट स्वाहा। इसके बाद ओम हा हूं निवृत्ति कला पाशाय फट स्वाहा। इस मंत्र से अंकुश मुद्रा के प्रदर्शन पूर्वक प्राणायाम द्वारा उक्त कला का आकर्षण करें। फिर ओम हूं हा 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 हूं निवृत्ति कला पाशाय हूं फट। इस मंत्र से संहार मुद्रा एवं कुंभक प्राणायाम द्वारा उसे नाभि के नीचे के स्थान से लेकर ओम हा निवृत्ति कला पाशाय नमः, इस मंत्र से उद्धव मुद्रा एवं रेचक प्राणायाम के द्वारा उसको मुंड में किसी आधार या आसन पर स्थापित करें। तत्पश्चात ओम हा निवृत्ति कला पाशाय नमः, इस मंत्र से अर्धदान पूर्वक पूजन करके इसी के अंत में स्वाहा लगाकर तर्पण और सन्निधान के उपदेश से पृथक पृथक 3-3 आहुतियां दें। इसके बाद ओम हा ब्रह्मणे नमः, इस मंत्र से ब्रह्मा का आवाहन और पूजन करके उसी के अंत में स्वाहा जोड़कर 3 आहुतियों द्वारा ब्रह्मा जी को तृप्त करें। तदनंतर उनसे इस प्रकार विज्ञप्ति पूर्वक प्रार्थना करें। ब्रह्मन्, मैं इस मुमुक्ष को आपके अधिकार में दीक्षित कर रहा हूं, आपको सदा इसके लिए अनुकूल रहना चाहिए। तदनंतर रक्तवर्णा वागीश्वरी देवी का मन ही मन हृदय मंत्र से आवाहन करें। वे देवी इच्छा ज्ञानी और ज्ञान रूपिणी है, 6 प्रकार के अथवाओं की एकमात्र कारण है। फिर पूर्वोक्त प्रकार से वागीश्वरी देवी का पूजन और तर्पण करें। साथ ही समस्त योनियों को विक्षुब्ध करने वाले और हृदय में विराजमान वागीश्वरी देव का भी पूजन और तर्पण करना चाहिए। आदि में अपने बीज और अंत में होम फट से युक्त जो अस्त्र मंत्र है उसी से विधान वेत्ता गुरु शिष्य के हृदय का ताड़न करें और भावना द्वारा उसके भीतर प्रविष्ट हो। तत्पश्चात हृदय के भीतर अग्निकण के समान प्रकाशमान जो शिष्य का जीव चैतन्य निवृत्ति कला में स्थित होकर पाशों से आबद्ध है उसे ज्येष्ठा द्वारा विभक्त करें। उसके विभाजन का मंत्र इस प्रकार है। ओम हा हूं फट ओम हा स्वाहा। इस मंत्र से पूरक प्राणायाम और अंकुश मुद्रा द्वारा उस जीव चैतन्य को हृदय में आकृष्ट करके आत्म मंत्र से पकड़कर उसे अपने आत्मा में योजित करें। वो मंत्र इस प्रकार है। ओम हा 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 मने नमः। फिर माता पिता का संयोग चिंतन करके रेचक प्राणायाम द्वारा ब्रह्मादि कारणों का क्रमशः त्याग करते हुए उक्त जीव चैतन्य को शिवरूप अधिष्ठान में ले जाएं और गर्भाधान के लिए उसे लेकर एक ही समय सब योनियों में तथा वामा उद्भव मुद्रा के द्वारा वागीश्वरी योनि में उसे डाल दें। इसके बाद ओम हा 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 हात्मने नमः, इसी मंत्र से पूजन और 5 बार तर्पण भी करें। इस जीव चैतन्य का सभी योनियों में हृदय मंत्र से देह साधन करें। यहाँ पुंसवन संस्कार नहीं होता क्योंकि स्त्री आदि के शरीर की भी उत्पत्ति संभव है। इसी तरह सीमोंत नयन भी नहीं हो सकता क्योंकि देववश अंध आदि के शरीर भी उत्पत्ति की संभावना है। शिरो मंत्र स्वाहा से एक ही समय समस्त देहधारियों के जन्म की भावना करें। इसी तरह शिव मंत्र से भी भावना करें। कवच मंत्र से भोग की और अस्त्र मंत्र से विषय और आत्मा में मोहरूप लय नामक अभेद की भी भावना करें। तदनंतर शिव मंत्र से स्रोतों की शुद्धि और हृदय मंत्र से तत्व शोधन करके गर्भाधान आदि संस्कारों की निमित्त 5-5 आहुतियां दें। मायेय माया जनित, मल जनित और कर्म जनित आदि पाश बंधनों की निवृत्ति के लिए हृदय मंत्र से निष्कृति प्रायश्चित अथवा शुद्धि कर लेने पर पीछे अग्नि में 100 आहुतियां दें। मल शक्ति का तिरोधान लय और पाशों का वियोग संपादित करने के लिए स्वाहांत अस्त्र मंत्र से 5-5 आहुतियों का हवन करें। अंतःकरण में स्थित मल आदि पाश का 7 बार अस्त्र मंत्र के जप से अभिमंत्रित कटार कला शस्त्र से छेदन करें। कला शस्त्र से छेदन का मंत्र इस प्रकार है। ओम हा 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 निवृत्ति कला पाशाय हम फट। बंधकता की निवृत्ति के लिए अस्त्र मंत्र से दोनों हाथों द्वारा मसलकर गोलाकार करके पाश को घी से भरे हुए सुवस्त्र में डाल दें। फिर कलामय अस्त्र से अथवा केवल अस्त्र मंत्र से उसको जलाकर भस्म कर डालें। तदनंतर पाशांकुर की प्रवृत्ति के लिए 5 आहुतियां दें। आहुति का मंत्र इस प्रकार है। ओम अस्त्राय हुं फट स्वाहा। उक्त आहुति के पश्चात अस्त्र मंत्र से 8 आहुतियां देकर प्रायश्चित कर्म संपन्न करें। उसके बाद विधाता का आवाहन करके उसका पूजन और तर्पण करें। फिर ओम हा शब्द स्पर्शो शुक्लम ब्रह्मन गृहाण स्वाहा इस मंत्र से 3 आहुतियां देकर शिष्य को अधिकार अर्पित करें। उस समय ब्रह्मा जी को भगवान शिव की ये आज्ञा सुनावे। ब्रह्मन, इस बालक के संपूर्ण पाश दग्ध हो गए हैं। अब आपको पुनः इसे बंधन में डालने के लिए यहाँ नहीं रहना चाहिए। यूं कहकर ब्रह्मा जी को विदा कर दें और संहार मुद्रा द्वारा एवं कुंभक प्राणायाम पूर्वक राहु मुक्त एक देश वाले चंद्रमंडल के सदृश आत्मा को तत्संबंधी मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिण नारी द्वारा धीरे धीरे लेकर प्राणायाम एवं उद्भव नामक मुद्रा के सहयोग से पूर्वोक्त सूत्र में योजित करें। फिर उसकी पूजा करके गुरु अर्धपात्र में स्थित अमृपोतम जलबुंदुले शिष्य की पुष्टि एवं तृप्ति के लिए उसे सिर पर रखें। तत्पश्चात माता पिता का विसर्जन करके वौषधंत अस्त्र मंत्र के द्वारा विधि की पूर्ति के लिए पूर्णाहुति होम करें। ऐसा करने से निवृत्ति कला की शुद्धि होती है। पूर्णाहुति का पूरा मंत्र इस प्रकार है। ओम हा मुक आत्मनो निवृत्ति कला शुद्धिरस्तु स्वाहा फट वौषट। निर्वाण दीक्षा के अंतर्गत प्रतिष्ठा कला के शोधन की विधि का वर्णन भगवान शंकर कहते हैं। स्कंद, तदनंतर शुद्ध और अशुद्ध कलाओं का शांत और नादांत संज्ञत ह्रस्व दीर्घ प्रयोग द्वारा संधान करें। संधान का मंत्र इस प्रकार है। ओम हा हा ही हा ओम हा ही हा। इसके बाद प्रतिष्ठा कला में निविष्ट जल, तेज, वायु, आकाश, 5 तन्मात्रा, 10 इंद्रिय, बुद्धि, तीनों गुण, 24वां अहंकार और पुरुष, इन 25 तत्वों तथा क से लेकर य तक के 25 अक्षरों का चिंतन करें। प्रतिष्ठा कला में 56 भुवन है और उसमें उन्हीं के समान नाम वाले उतने ही रुद्र जानने चाहिए। इनकी नामावली इस प्रकार है। अमरेश, प्रभास, नैमिष, पुष्कर, आषाढ़ी, डिंडी, भारभूति तथा लकुलिश, ये प्रथम अष्टक कहा गया। हरिश्चंद्र, शीर्षैल, जल, आम्रातकेश्वर, महाकाल, मध्यम, केदार और भैरव, ये द्वितीय अष्टक बताया गया। तत्पश्चात गया, कुरुक्षेत्र, नाल, कनखल, विमल, अट्टहास, महेंद्र और भीम, ये तृतीय अष्टक कहा गया। वस्त्रापद, रुद्रकोटि, अविमुक्त, महालय, गोकर्ण, भद्रकर्ण, स्वर्णाक्ष और स्थाणु, ये चौथा अष्टक बताया गया। अजेश, सर्वज्ञ, भास्वर, तदनंतर सुबाहु, मंत्र रूपी, विशाल, जटिल तथा रौद्र, ये 5वां अष्टक हुआ। पिंगलाक्ष, कालदृष्टि, विधुर, घोर, प्राजापत्य, हुताशन कालरूपी तथा कालकर्ण ये छठा अष्टक कहा गया। भयानक, पतंग, पिंगल, हर, धाथा, शंकर्ण, श्रीकंठ तथा चंद्रमौली ये सातवां अष्टक बताया गया। ये 56 रुद्र 56 भुवनों में व्याप्त हैं। अब 32 पद बताए जाते हैं। व्यापीन, अरूपीन, प्रथम, तेज, ज्योति, अरूप, पुरुष, अग्ने, अधुम, अभस्मन, अनादे, नाना नाना, धूधु धूधु, ओम भुव, ओम भुव, ओम स्व, अनिधन, निधन, निधनोद्भव, शिव, शर्व, परमात्मन, महेश्वर, महादेव, सद्धाव, ईश्वर, महातेजा, योगाधिपते, मुंज, प्रमथ, सर्व, सर्व सर्व, ये 32 पद हैं। दो बीज, तीन मंत्र, वामदेव, शिर, शिखा, गांधारी और सुषुम्ना, दो नाड़ियां, समान और उदान नामक दो प्राणवायु, रसना और पायु दो इंद्रियां, रस नामक विषय, रूप, शब्द, स्पर्श तथा रस ये 4 गुण, कमल से अंकित श्वेत अर्धचंद्राकार मंडल, सुषुप्ति अवस्था तथा प्रतिष्ठा में कारणभूत भगवान विष्णु। इस प्रकार भुवन आदि सब तत्वों का प्रतिष्ठा के भीतर चिंतन करके प्रतिष्ठा कला संबंधी मंत्र से शिष्य के शरीर में भावना द्वारा प्रवेश करके उसे कलापाश से मुक्त करें। ओम हा ही हा प्रतिष्ठा कलापाशाय हूं फट स्वाहा। इस स्वाहांत मंत्र से ही पूरक प्राणायाम तथा अंकुश मुद्रा द्वारा उक्त कलापाश का आकर्षण करें। तत्पश्चात ओम हूं हा ही हूं हा प्रतिष्ठा कलापाशाय हूं फट, इस मंत्र से संहार मुद्रा और कुंभक प्राणायाम द्वारा उसे हृदय के नीचे नाड़ी सूत्र से लेकर ओम हूं ही हूं हा प्रतिष्ठा कलापाशाय नमः, इस मंत्र से उद्धव मुद्रा तथा रेचक प्राणायाम द्वारा कुंड में स्थापित करें। तदनंतर ओम हा ही हा प्रतिष्ठा कला द्वाराय नमः, इस मंत्र से अर्घ दें। पूजन करके स्वाहांत मंत्र द्वारा 3-3 आहुतियां देते हुए संतर्पण और सन्निधापन करें। इसके बाद ओम महाविष्णवे नमः, इस मंत्र से विष्णु का आवाहन, पूजन और संतर्पण करके निम्नांकित प्रार्थना करें। विष्णु, आपके अधिकार में मैं मुमुक्षु शिष्य को दीक्षा दे रहा हूँ, आप सदा अनुकूल रहें। इस प्रकार विष्णु भगवान से निवेदन करें। तत्पश्चात वागीश्वरी देवी और वागीश्वर देवता का पूर्ववत आवाहन, पूजन और तर्पण करके शिष्य की छाती में ताड़न करें। ताड़न का मंत्र इस प्रकार है ओम हा हा हूं फट। इसी मंत्र से शिष्य के हृदय में प्रवेश करके उसके पाशबद्ध चैतन्य को अस्त्र मंत्र एवं ज्येष्ठ अंकुश मुद्रा द्वारा उस पाश से पृथक करें। यथा ओम हा हा हम फट उक्त मंत्र के ही अंत में नमः स्वाहा लगाकर उसके संपुटिक मंत्र द्वारा जीव चैतन्य को खींचे तथा नमस्कारांत आत्म मंत्र से उसको अपने आत्मा में नियोजित करें। आत्मा में नियोजन का मंत्र यूं है ओम हा 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 आत्मने नमः। इसके बाद पूर्वत उस जीव चैतन्य के पिता से संयुक्त होने की भावना करके वामा उद्धव मुद्रा द्वारा उसे देवी के गर्भ में स्थापित करें। साथ ही इस मंत्र का उच्चारण करें ओम हा 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 आत्मने नमः। देहोत्पत्ति के लिए हृदय मंत्र से 5 बार और जीवात्मा की स्थिति के लिए शिरोमंत्र से 5 बार आहुति दें। अधिकार प्राप्ति के लिए शिखा मंत्र से, भोग सिद्धि के लिए कवच मंत्र से, लय के लिए अस्त्र मंत्र से, श्रोत शुद्धि के लिए शिव मंत्र से तथा तत्व शुद्धि के लिए हृदय मंत्र से इसी तरह 5-5 आहुतियां देनी चाहिए। इसके बाद पूर्ववत गर्भाधान आदि संस्कार करें। पाश की शिथिलता और निष्कृति प्रायश्चित के लिए शिरोमंत्र से 100 आहुतियां दे। मलशक्ति के तिरोधान निवारण के लिए स्वाहांत अस्त्र मंत्र से 5 बार हवन करें। इस प्रकार पाश वियोग होने पर भी 7 बार अस्त्र मंत्र के जप पूर्वक कला बीज से युक्त अस्त्र मंत्र रूपी कटार से उस कलापाश को काट डालें। वो मंत्र इस प्रकार है ओम ही प्रतिष्ठा कलापाशाय हूं फट। तदनंतर पाश शस्त्र से उस पाश को मसलकर वर्तुलाकार बनाकर पूर्ववत धृतपूर्ण सुसुआ में रख दें और कला शस्त्र से ही उसकी आहुति दे दें। इसके बाद पाशांकुर की निवृत्ति के लिए अस्त्र मंत्र से 5 आहुतियां दें और प्रायश्चित निवारण के लिए 8 आहुतियों का हवन करें। आहुति के लिए अस्त्र मंत्र इस प्रकार है, ओम अस्त्राय हूं फट। इसके बाद हृदय मंत्र से भगवान ऋषिकेश का आह्वान करके पूर्वोक्त विधि से उनका पूजन और तर्पण करने के पश्चात अधिकार समर्पण करें। इसके लिए मंत्र इस प्रकार है, ओम विष्णु रसम शुल्कम ग्रहण स्वाहा। इसके बाद उन्हें भगवान शिव की आज्ञा इस प्रकार सुनावे, हरे इस पशु का पाश संपूर्णतः दग्ध हो चुका है, अब आपको इसके लिए बंधनकारक होकर नहीं रहना चाहिए। शिवाज्ञा सुनाने के लिए रौद्री नाड़ी द्वारा गोविंद का विसर्जन करके राहु मुक्त आधे भाग वाले चंद्रमंडल के समान आत्मा को नियोजित करें। संहार मुद्रा द्वारा उसे आत्मस्थ करके उद्धव मुद्रा द्वारा सूत्र में उसकी संयोजना करें। तत्पश्चात पूर्ववत जलबिंदु सदृश उस आत्मा को शिष्य के सिर पर स्थापित करें, उससे इसका आप्यायन होता है। फिर अग्नि के पिता माता का पुष्प आदि से पूजन एवं विसर्जन करके विधि की पूर्ति के लिए विधान पूर्वक पूर्णाहुति प्रदान करें। ऐसा करने से प्रतिष्ठा कला का भी शोधन संपन्न हो जाता है।